नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं, ये लंबे समय से चली आ रही हैं। ऐसे ही हम आपको कुछ पौराणिक मान्यताएं बता रहे हैं कि हमें सप्ताह में किस दिन बाल कटवाना चाहिए और किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, इसके पीछे शुभ और अशुभ होता है। तो आइए जान लेते हैं ऐसी पौराणिक क्या क्या मान्यताएं। सनातन धर्म में रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की मान्यताओं और परंपराओं का पालन किया जाता है। इन्हीं में है बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने के बारे में मान्यताएं चली आ रही हैं। हिंदू धर्म में हफ्ते के कुछ दिनों में बाल कटवाने को शुभ माना जाता है तो कुछ दिनों को अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं सप्ताह के सातों दिन में क्या नियम बताए गए हैं। दोस्तों, सोमवार का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। सोमवार के दिन बाल कटवाने से तनाव और सेहत में गिरावट होती है। सोमवार के दिन बाल और दाढ़ी कटवाने से संतान की आयु कम होती है। मंगलवार को बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल कटवाने से व्यक्ति की उम्र भी कम होने लगती है। बुधवार के दिन बाल और नाखून कटवाने से घर में बरकत आती है। बुधवार का दिन इसके लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन बाल कटवाने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और मान सम्मान में आपके हानि होना शुरू हो जाती है, इसलिए गुरुवार के दिन बाल ना कटवाएं। शुक्रवार को भौतिक सुख सुविधाओं का दिन माना जाता है। इस दिन बाल और नाखून कटवाना शुभ होता है, तो यदि आप बाल कटवाना चाहते हैं या नाखून काटना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन काटें। शनिवार को बाल कटवाने से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। इस दिन इसे मृत्यु का कारक माना जाता है। इस दिन भूल से भी व्यक्ति को शनिवार के दिन बाल न कटवाना चाहिए। रविवार का दिन बाल कटवाने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। रविवार सूर्य का दिन होता है। इस दिन बाल कटवाने से धन और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस सप्ताह में हमारे सातों दिन में कौन कौन से दिन बाल कटाने चाहिए और नाखून कौन कौन से दिन कटाने चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं कटाने चाहिए। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।